भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D1 लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग रविवार सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। टेक ऑफ के बाद दोनों सैटेलाइट कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचे हैं, हालांकि इनसे सिग्नल मिलना अभी बंद है। खास बात यह है कि इसके 75 पेलोड देश भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्र छात्राओं ने बनाए हैं। डिजाइन करने वाली लड़कियां भी लॉन्चिंग के मौके पर श्रीहरिकोटा में मौजूद रहीं। Our satellite is going to be going on the maiden launch of SSLV, which is a dream for millions of people. And the satellite is built by wonderful children. And every child is a girl student. That is the speciality of this whole mission. We are having about 750 girls who've made 75 payloads, which is being put in a small bay in our satellite. And the SKI team has developed the power systems and the structure, and the rest of the things are developed by our team, the Space Kids India team. ISRO ke chairman S. Somnath ne bataya. इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर लगातार डेटा लिंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। EOS-02 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इसका रेजोल्यूशन करीब 6 मीटर है। ये रात में भी निगरानी कर सकेगा। Our school has participated in this SSLV launch, and three groups from our school participated in this, and we are very glad and happy that we got this great opportunity, and all the students will cherish this for their lifetime, and we have worked hard on this, and we are ready, and we are going to witness the launch today. Today we are here for the satellite launch, which is based on the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is the program conducted for our 75th Independence Day. So this is our central government program. We are so proud of it that we are here, because we have worked hard, really very hard, to program this satellite. I mean, we have done a small part, but yeah, we are sure that we have done it good. And this today, they are launching the satellite in our presence. We are here. It's like brilliant. I like can't express how happy we are. EOS-02 SSLV से लॉन्च हुए priority satellite है। ये नई technology infrared camera से लैस है। इसका इस्तेमाल मैपिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और हाइड्रोलॉजी जैसे यूटिलिटी फील्ड में किया जाएगा। ये सैटेलाइट डिफेंस सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकेगा। आज़ादी दूसरा सैटेलाइट है जिसे EOS-02 के मिशन से अलग करने के बाद कक्षा में स्थापित किया गया है। इसी आज़ादी सैटेलाइट के पेलोड को ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने बनाया है। ये सभी छात्र वैज्ञानिकों की निगरानी में काम कर रहे थे। ये सभी स्टूडेंट स्पेस किड्स इंडिया से जुड़े हैं, जिनमें 50 ग्राम वजन वाले 75 पेलोड हैं। अब आपको बताते हैं SSLV क्या है। SSLV देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके सफल प्रयोग से पहले छोटे उपग्रह सुनसिंक्रोज ऑर्बिट तक के लिए हम PSLV पर निर्भर थे। PSLV को लॉन्च पैड तक लाने और तैयार करने में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता था, जबकि SSLV सिर्फ 24 घंटे में तैयार हो सकता है। इसे अधिकतम समय 72 घंटे लगते हैं। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी।